सीतामढ़ी भारत नेपाल बॉर्डर के बेला गांव में बेखौफ अपराधियों का तांडव। सो रहे चाचा भतीजी को मारी गोली, 8 साल की मासूम बच्ची की भी मारी गोली, हुई मौत। मिली जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग की। सीतामढ़ी SP मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के बेला गांव की है। सीतामढ़ी में आधी रात को सो रहे चाचा भतीजी पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर इलाके को दहला दिया है। इस दौरान 8 साल की बच्ची को गोली लगी है, जिसमें साक्षी कुमारी की मौत हो गई है, जबकि उसके चाचा को चेहरे में गोली लगी है, जिसमें वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जख्मी का चचेरे भाई से पूर्व का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर यह घटना हुई है। सीतामढ़ी SP मनोज कुमार तिवारी ने बताया कि आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन लोगों का पूर्व से रंजिश चल रहा था, जिसके कारण इस वारदात को अंजाम दिया गया है। आधी रात में गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज गया। मृतक बच्ची के परिजन ने बताया कि बदमाशों ने इस दौरान सोने का हनुमानी और पैसे भी लूट लिए हैं। गोली मारने वाले शराब कारोबारी बताए जा रहे हैं। बदमाश ताबड़तोड़ 6 राउंड फायरिंग किए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल कायम है। घटना सीतामढ़ी जिले के परिहार प्रखंड के बेला गांव की है। चार आदमी से आया, सीधे गोली मुंह में मार दिया, सीधे घर में के सोना घींच लिया, तब हमरो मुंह बंद कर दिया, हमरो मारा, हमरो घर में घींच लिया, और अथी की क्या ढवा जो ढवा निकाल लिया, और तब फेन के गोली मारा। क्या चीज ले गया? सोना का हनुमानी था? हाँ, सोना का हनुमान जी आठ गोरे था, हमारा अपना घर में रहा था, ताला चाबी सब रहे, हमरो तो घर में रहा सोना की। आपके हस्बैंड के पास पहने हुए थे गला में? हाँ, ओकरा पास रही, हम लोग घर में करते सब मला वाला चोर। काहे के लिए गोली चलाया ऊपर? काहे के लिए से चलाया, कह जी की वोट भेल, वोट न गांव वाला के दिली, बहरिया के दिली, जही दिन से दुश्मनी करे लगली, 5 लाख के एक बेर दुकान उठवा दे, 2 बेर एक बेर मोटर चोरी करवा दी, 1 बेर बाजार पर भी लफड़ा कर देगी, सोना उना तोड़ के गोली ठोके चकदार मचा दिया, हम की बेर साथ में कोई न रहा था, सब खत्म करे पड़ल। इससे पहले जो घटना घटा था उसमें केस उस किए थे? केस करेगी तो नहीं करेगी? नहीं किए थे? ना। कौन नहीं करने दिए? आप गांव के लोग से मना कर दिया। अच्छा, गांव के लोग के वजह से नहीं किए। तो आज उन लोग जो गोली मारा, उन लोग को पहचानते हैं? क्या नाम उन लोग का? दीपक नाम। और बाप के नाम? माझी नाम। बोले 4 आदमी से आया था ना? 4 आदमी के, उस सबके बहरिया रहता, नहीं चिन्ह, 1 आदमी के चिन्ह। आपकी भतीजी सोई थी वहाँ पे? हाँ। आप ही के साथ? हाँ। कितने गोली लगे आपके पति को? हमरा तो ओकरा गोली न पजी कि हमरा तो मरल का या हमरो मरल का, हमहु बेहोश रही है, ओहो रही है, गैया एक गोली मर के अब इतना धुआं पर धुआं चले के इतना ओमे मरल की 4 आदमी दे, तो कोई बात ही नहीं। वो अपराधी लोग कहां कराने वाला है? अब बोलता मुंह बंद कर दे छी, ये कर दे छी, सीधे हो जाए छी, छोड़ दे छी। नाम बताए थे, वो आप ही के गांव कराने वाला है? हां, खुद हमर दियादे। आपका दियादे ही है? हां। कितने बजे गोली चला? 11:40। आप लोग जानकारी ये मिली कि सब लोग सो रहे थे, सोते हुए गोली फायर कर दिया? सब सो रहे, हम तो जगले रहे, हम एकदम ही ना बैठे, जेना बैठ के रहे। कुछ लोग जागे थे, कुछ लोग सोए थे? माने वो दोनों सो सोते रहे, हम जागल बैठल रहिए। उसके बाद क्या हुआ, फरार हो गया वो लोग? हाँ, माने मारा सीधे वही जंगले में है, हमारा अपनी जगह में ही निकल। तो इसमें किसी की गिरफ्तारी हुई है अभी तक? कोई गिरफ्तार हुआ है अभी तक इसमें? आपकी भतीजी जो डेथ कर गई, उसका क्या नाम है? साक्षी। ऐसा भी कोई बात है? आज वो हनुमानी था। कितने का था वो? 2 लाख ले गया छीन के गोली मार के? नहीं, पहले हनुमानी काटे तो हम उसको देखे तो हमको दीपक रखा कर फायरिंग कर दो मारा, दो लड़का साथ 4 लड़का थे। कितनी फायरिंग की है वो लोग? हाँ, कितने गोली चली है वो? गोली चली है 9 और 6 बता रहे हैं, क्लियर नहीं हुआ है। आपके आपको कितना गोली लगा? हमको तो एक गोली में मतलब रिहर्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर सारा फर्क बड़ा दी आपके गोली दस साल हो गए। आपके भतीजी आपके साथ सोई थी? बस बगल में सोया हुआ था।
उसको कितनी गोली लगी? उसको 8 गोली लगी हुई। एक ही गोली खत्म हो गया। फिर अपराधी लोग फरार हो गया वहाँ से? फिर फरार हो गया क्या वहाँ से अपराधी? फिर पीछे चल गए दुकान, मेरा दुकान है ना छपरे, दुकान गर्म हो गया ना, बाहर छपरे लगा रहता है ना, वहाँ छपरे बाहर चौके के हैं वहाँ सोते हैं। हनुमानी सब ले गया उसके अपने साथ? हाँ हनुमानी ले गया। टोटल किसी को पहचानते हैं अपराधी को उसमें? हाँ पहचानते हैं। क्या नाम है लोग? दीपक है, जोविंदर साहब के लोग। कहाँ का रहने वाला? घर तिलियाही में है मगर अभी फिलहाल मकान नरगा बाजार में बनाया हुआ। आपका कहाँ मकान है? तिलियाही है, श्रीरामपुर, श्रीरामपुर नरगा सब सचे हुए हैं। अच्छा कारण क्या है, मतलब किस वजह से हनुमानी किया, किस वजह से गोली फायरिंग किया? वो लोग चुनाव में भी कुछ हुआ था आप लोग के साथ? और भतीजा था दलोचन वर्चन जो पिता होता है पिता था उसका, वो बेचता है दारू शराब, हमने उसको बताया। चुनाव में आप किसी और का सपोर्ट किए थे जिसके वजह से भी कारण बना है? चुनाव में सपोर्ट हम किए थे दूसरे के, डेथ के नहीं किए थे। ये भी एक कारण है गोली लगाने का? क्लियर नहीं है। आप सोए थे, सोए अवस्था में गोली मारा लोग? नहीं, हम घर से आए 10 बजे, घर से 10 बजे आए, वहाँ पर पंखा चौकी के लगा रहता है, 1-2 घंटे सोते और चल गए। तो खाना खा के आए तब पंखा चल रहा था, सोया तो सुता गया। तो हमारे घर से पत्नी और